अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद फरहान। आप देख रहे हैं फरहान गोंदल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप बिजनेस का मुकम्मल कोर्स कराऊंगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें नई नई देखने को मिलेंगी। जो चंद चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन पर होगा व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट कैसे बनाना है। नंबर दो पर होगा व्हाट्सएप बिजनेस की प्रोफेशनल लेवल की सेटिंग कैसे करनी है। नंबर तीन पर होगा व्हाट्सएप बिजनेस की मदद से अपना बिजनेस कैसे जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। नंबर चार पर होगा अगर कोई क्लाइंट आपको मैसेज सेंड कर देता है, उसे डिलीट कर देता है बाद में, तो आप उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। नंबर पांच पर होगा आप किस तरह से एक ही वक्त में काफी ज्यादा लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं। तमाम चीजें मिलेंगी तफसील के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने आ जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर पर। यहां से आपने सबसे पहले व्हाट्सएप बिजनेस ये आप अपने डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद इसे ओपन करना है। आपने एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहां पर अपना मोबाइल नंबर यूज़ कर देना है। मैंने अपना मोबाइल नंबर ब्लर कर रखा है। नेक्स्ट करना है, कंटिन्यू कर देना है। मुझे मैसेज आ चुका है, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। बाद आपने अलाउ पर क्लिक कर देना है, इसे भी अलाउ कर देना है। अगर आपका कोई बैकअप हुआ इस नंबर पर पहले तो वो आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं आएगा। मैं इसे स्किप कर दूंगा फिल वक्त। यहाँ पर आपने अपना एक अच्छा सा नाम रख लेना है, अगर आप अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई रखना चाहते हैं तो। मेरा जैसे यूट्यूब चैनल भी मेरे नाम पर ही है, फेसबुक पेज भी और भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी मेरे नाम पर हैं, तो मैं अपना ही रखूँगा नाम। मैं फिल वक्त अदर बिजनेस पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे वाली कैटेगरी आ नहीं रही, तो मैं अदर पर क्लिक किया तो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, मैं इसे बाद में दूँगा। यहाँ पर आपने अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है। मैंने ये अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, मैं इसे डन कर देता हूँ। यह मेरी प्रोफाइल पिक्चर भी आ गई है, मैंने इसे नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ से आपने अपनी एक पास की भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप अपने बिजनेस व्हाट्सअप को और ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं। मैं पास की भी यहाँ पर क्रिएट कर हटा दूँगा, फिर इस पर क्लिक करूँगा, इसे कंटिन्यू कर दूँगा और यहाँ पर अपना फिंगर लगा दूँगा। पास की क्रिएट हो चुकी है, ऑटोमेटिक हो जाती है। सबसे पहले आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा एड न्यू आइटम। अगर आपका कोई बिजनेस है, ग्रॉसरी स्टोर है, कपड़े का है और भी मुख्तलिफ लोगों के स्टोर होते हैं, फाइनेंसिंग का है और इसके अलावा जो होता है प्रॉपर्टी का है, तो आप वो ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ एड न्यू आइटम। अगर आपका मिसाल के तौर पर कोई नई वैरायटी आई है उसका नाम डाल दें और उनकी वो डालना है। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर दे देता हूँ, मैं यहाँ पर दे देता हूँ यूट्यूब मैनेजमेंट। यहाँ पर उसकी प्राइस डाल दूंगा, मैं कितने पैसे लेता हूँ ये कर दूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैंने ये लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर उसकी आइटम की पिक्चर लगानी होती है। ये बोल रहा है कि एक पिक्चर ऐड करें, तो आप कैनवा से बना लीजिएगा, वहाँ से आपको इजीली पिक्चर मिल जाती हैं। मैं यहाँ पर लिख यहाँ से मुझे यही पिक्चर अच्छी लग रही है, यही मैं रख लेता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी नाम लिख देता हूँ, बस एडजस्ट कर लूँगा और यहाँ से थोड़ा साइज भी कम कर लूँ। यहाँ अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। आपके को पास कोई वैरायटी आती है आपने उसकी पिक्चर डालनी है, मेरे पास नहीं है तो मैं ये वाली पिक्चर अपनी डाल रहा हूँ। यह मेरा बैनर बन के रेडी हो चुका है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और इसे डाउनलोड कर लूँगा जल्दी से। आप डिस्काउंट वगैरह भी लगा सकते हैं, मैं ये लगा लेता हूँ, मैंने बना लिया जो। इसके बाद मैं इसे सेव कर देना है।
यहाँ पर ये सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अब वापस आ जाएंगे। आपका बिल्कुल इस तरह साफ सुथरा होगा। आपने इन तीन लाइनों पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने एक अपना एक अदद कम्युनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक चैनल क्रिएट करना है, क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर चैनल का नेम लिख देना है, यानी कि जो आपका बिजनेस होगा उसका आपने नेम रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रीलांसिंग एंड यूट्यूबिंग। मैंने ये रख दिया। यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग से डिस्क्रिप्शन में लिख देनी है। इसके बाद यहाँ से आपने अपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है। ये मैंने अपनी पिक्चर फिर सिलेक्ट कर लिया, इसे मैं डन कर दूंगा। इसे क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगा, मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ से लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट एडमिन पर क्लिक करेंगे, इनवाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। चैनल लिंक भी आपको मिल जाएगा, ये आप स्टेटस भी लगा सकते हैं। सेंड लिंक, व्हाट्सअप बिजनेस कॉपी लिंक का शेयर लिंक कर सकते हैं। यहाँ से अपने चैनल का आपने लिंक कॉपी कर सकते हैं। और इसके अलावा चैनल की सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको लोग इमोजीज सेंड कर सकते हैं, या फिर ये डिफ़ॉल्ट वाले रखना चाहते हैं या नाउन करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन है, आप दोबारा इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पब्लिक हो चुका है चैनल। आप इस तरह से अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। वापस आएंगे इसके बाद, अब आ जाते हैं हम सेटिंग की तरफ। सेटिंग में आने के बाद बिजनेस टूल्स में आ जाएंगे, बिजनेस प्रोफाइल में आ जाएंगे। मैंने फिर शॉपिंग एंड रिटेल कर लिया है। यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है, आप जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कितने की। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप कपड़े का स्टोर, तो ये कपड़ा कितने का है, इसकी क्वालिटी कितने की है, ये कितने का मिलेगा, यहाँ पर वो आपने डालना होता है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन, सेव कर दो। ये शॉर्ट सी मैंने डिस्क्रिप्शन, आपने अपनी लोकेशन भी डाल सकते हैं जहाँ पर आपकी दुकान है। तो मेरी दुकान नहीं है तो मैं इसे स्किप कर दूँगा। और इसके बाद यहाँ पर बिजनेस आवर्स ये लाजमी डालने होते हैं, ताकि आपको पता चल सके आपके कस्टमर को कि आप कब ऑनलाइन होते हैं, कब आप ऑफलाइन होते हैं, ताकि आपका कस्टमर वेट ना करे ज़्यादा देर। यहाँ पर आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, ऑलवेज़ ओपन भी कर सकते हैं, बाय अपॉइंटमेंट ऑनली भी कर सकते हैं, मैं ऑलवेज़ ओपन ही रहने दूँगा। यहाँ से आप डेट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, संडे को अगर बंद करना चाहते हैं, मंडे को, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं इसे सेव कर दूँगा। यहाँ पर अपना ईमेल डालना होता है जो आपके मोबाइल में लगा हुआ है, वो भी डाल सकते हैं, ना कि आपका कस्टमर अगर आपके मोबाइल पर अगर आपको नहीं मैसेज सेंड कर पा रहा तो वो वहाँ से भी कर सके। और नीचे अपनी वेबसाइट भी का लिंक भी आप दे सकते हैं, ताकि आपका कस्टमर आसानी के साथ आपके साथ जुड़ा रह सके। यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ बैनर लगा देना है पीछे से। आप नीचे आएंगे, यह हमने उस वक्त ऐड की है, यह मैंने आपको पहले आने साथ बता दिया था। अब नीचे चलते हैं, ये वो ये अगर अपनी आप अगर ऐड चलाना चाहते हैं अपनी चीज़ों का, तो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर चला सकेंगे आसानी के साथ। गैथरिंग मैसेज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपने एक डिफ़ॉल्ट मैसेज सेट करना होता है, जिससे आपके कस्टमर को वेट ना करना पड़े, या फिर आप उसकी चीज़ की डिटेल लगा सकते हैं, या फिर आप वेलकम का मैसेज लगा सकते हैं, या आप मुख्तलिफ आपके प्रोडक्ट का मैसेज लगा सकते हैं। तो इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर गैथरिंग मैसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूट्यूब मैनेजमेंट सर्विस, वैसे ओके कर दूंगा। यहाँ पर सेंड एवरीवन का करना चाहते हैं, उसके अलावा आपने सेव कर देना है। जैसे ही आपको किसी का मैसेज आएगा वो आपके पास उसके पास चला जाएगा। बाकियों का भी यही है ऑप्शनों का। इसके बाद वापस आएंगे अकाउंट, यहाँ पर आजकल ईमेल के थ्रू भी आप अपना अकाउंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ईमेल लगाएंगे, यहाँ पर अपनी जो मोबाइल में लगी हुई है ईमेल लगाएंगे, उस पर कोड जाएगा तो आपकी ईमेल से भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टू स्टार वेरिफिकेशन भी लगा के रखें, ताकि आपके व्हाट्सएप को कोई हैक ना कर सके। और यहाँ से अगर आपको गलती से गलत नंबर लगा दिया, यहाँ से आपने ओल्ड नंबर देना है, नीचे न्यू नंबर दे देना है। इसके अलावा प्राइवेसी, अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लास्ट सीन ऑनलाइन, अगर आप करना चाहते हैं कि लास्ट सीन जो आपका था वो ही आपके हर किसी को शो हो, उसके बाद आप ऑनलाइन ही आए तो वो कर सकते हैं ऐसे, बाकी वो ही रहने दे। या प्रोफाइल फोटो आप चाहते हैं हर किसी को शो तो एवरीवन कर सकते हैं, सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स को शो ये कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी स्टेटस की भी लगा सकते हैं प्राइवेसी। यहाँ डिफॉल्टर मैसेज लोगों का बहुत ज़्यादा ऑन होता है जिससे डिसपियर हो जाते हैं मैसेजेस, आप इसको ऑफ करके रखें ताकि आपके कस्टमर की जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास ही रहे, डिलीट ना हो जाए ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ से आपको एवरीवन ग्रुपिंग और कोई ऐड कर सके, माइक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से करिएगा। कॉल और ब्लॉक फिंगर आप लगा सकते हैं और आईपी आ गया नीचे, यहाँ से अवतार क्रिएट कर सकते हैं। चैट में जाके ये ऑप्शन आपने बेशक बंद रखना है ताकि आप कोई शॉट डाउनलोड हो तो आपके गैलरी में ना सेव हो पाए। या स्टोरेज है, अब हम बैक आ जाते हैं, मल सेटिंग कर ली है, व्हाट्सएप के बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सीखेंगे। आप यहाँ पर जाना है, तीन लाइनों पे न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है, ये मेंबर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे ग्रुप का नाम लिख देना है, यहाँ डिसपीरिंग आपने ऑफ रखनी है अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं ऑफ ही रहने देता हूँ। यहाँ परमिशन है, हर कोई ऐड कर सके मैसेज ऑफ कर देता हूँ, सेंड मैसेज हर कोई कर सके, अप्रूव मेंबर भी आप लगा सकते हैं जब आपके मेंबर ऐड होंगे, ऐड अनदर मेंबर इसे आप नहीं रहने दें, मैं इसे टिक कर दूंगा, ये मेरा आ चुका है। यहाँ पर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो मुझे लोगों को प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो डाल सकता हूँ ताकि लोगों ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और इसके अलावा ऐड न्यू मेंबर, चेंज नेम और ग्रुप परमिशन, ये ऑप्शन मेरे हैं। ऐड योर एडमिन भी कर सकते हैं, और भी एडमिन को आप ऐड कर सकते हो। अब मैं वापस आ जाऊंगा, मैंने ग्रुप भी ऐड कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें एक पोस्ट कर देता हूँ जो उस वक्त बनाई थी, यही मैंने पोस्ट उस वक्त बनाई है वो मैंने ऐड कर दी है। हमको एक ही मैसेज चला जाए, या फिर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके तो आपने यहाँ पर आ जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, यहाँ से आपने एक ऐप सर्च करनी है, योर व्हाट्सएप ब्लॉग मैसेज सेंडर, ये पहले वाली आपने ऐप डाउनलोड कर लेनी है, इसे ओपन करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, सबमिट। आप इस तरह से कर सकते हैं, एक मिनट कर देना है, अलाउ कर दूंगा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ईमेल आप नहीं लगा से, मैं ये लगा देता हूँ, ओके करना है। यहाँ पर है सेंड मैसेजेस, ओके करना है, या परमिशन दे देनी है इसको, मैंने इसे परमिशन दे दी है, यहाँ से भी एक्सेसिबिलिटी की भी आपने परमिशन दे देनी है, ये भी मैंने इसे दे दी है। सबसे पहले आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है, यहाँ से बोल रहा है कि ऐड आपके जितने कॉन्टैक्ट हैं उनको सबको जाना चाहिए, पिक फॉर कॉन्टैक्ट बुक का ये है कि आपके कॉन्टैक्ट में जितने नंबर है सबको ऑटोमेटिकली वो मैसेज आएगा। ऐड मैनुअल भी कर सकते हैं, एक्सेल फाइल भी ये सपोर्ट करता है, सब फाइल करता है, मैं ऐड मैनुअली कर दूंगा, मैं दो तीन को ही करना चाहता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ फरहान, अपने नाम लिख देता हूँ, कंपेन नेम भी फरहान ही कर देता हूँ। स्टार्ट सेंडिंग मैसेज, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर मैसेज आपने टाइप कर देना है, अगर आपकी कोई वैरायटी आई है, कोई चीज़ आई है तो आपने वो सिलेक्ट करनी है, या पिक्चर भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, पिक फाइल भी लगा सकते हैं, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पर जितने आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर उनको एट अ टाइम सबको मैसेज चला जाएगा इस ऐप की मदद से, ये देखिएगा ये इसने सेंड भी कर दिया है।
مثال کے طور پر میں اپنی دوسری بار سب سے کوئی میسج کرتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے اس وقت سیٹ کیا تو آٹومیٹک آ رہا ہے یوٹیوب مینجمنٹ سروس. آپ جو بھی ایڈ کریں گے وہ آپ کو آ جائے گا. اب دیکھنا وہاں پر میں نے میسج ہائی کا سینڈ کیا ہے. آپ کو بہت سارے کسٹمر سینڈ کرتے رہتے ہیں میسیجز. یہ دیکھیں تو آپ کو اس طرح میسج آ گیا ہے, لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد فوراً اس میسج کو جو آپ نے اس نے سینڈ کیا اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں رہتا. تو آپ یہ کیسے سالو کر سکیں گے پرابلم؟ کیونکہ کسٹمر آرڈر تو کر دیتے ہیں, چیز ریسیو کر لیں اور اس کے بعد وہ پیسے ہی نہ دیں, کہیں ہم نے منگوایا ہی نہیں ہے. تو آپ کے پاس ثبوت رہنا چاہیے. تو یہاں پر آپ نے پلے اسٹور پر آ جانا ہے پھر سے, اور جہاں سے آپ کو ایک زبردست ایپ مل جائے گی. یہ پہلے والی ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. اس میں بہت سارے آپشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اس ایپ کو آپ نے اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد ایکسیپٹ کرنا ہے, انیبل, الاؤ, اسے بھی اور اس کو بھی. یہاں پر میں اپنی واٹس ایپ بزنس کو فی الوقت سلیکٹ کر لیا ہے, اور یہاں سے انیبل بھی کر لینا ہے. الاؤ یوز دا فولڈر الاؤ کر دوں گا, اسے بھی ٹک کر دوں گا. یہ آ چکا ہے. اب دیکھنا جب اس نے میسج کیا ادھر سے ختم ہو گیا. اب میں دوبارہ یہاں سے میسج سینڈ کروں گا, وہاں پر آپ کو میسج پڑا رہے گا. میں یہ لکھ دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے میسج دیکھ لیا ہے کسٹمر نے کر دیا. اب میں واپس اسی واٹس ایپ میں جا کے وہی میسج سارا کا سارا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں نے ڈیلیٹ کر دیا. یہاں سے تو میسج ختم ہو گیا, لیکن میسج اس میں آئیں گے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں. یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, ڈیلیٹ میسجز کو سیو کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تمام تر چیزیں بتا دی ہیں. آپ کس طرح سے واٹس ایپ بزنس کی مدد سے اپنا بزنس کیسے گرو کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ شدہ میسج کو کیسے ریکور کر سکتے ہیں, اور ایک ہی ٹائم میں کافی زیادہ لوگوں کو میسج کیسے سینڈ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے جائیے گا. اس چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. خدا حافظ.